Hey everyone, welcome back to my channel. I am Faraha Yasir from Faraha Yasir Tarot. कैसे हैं? इंशाल्लाह खुश आबाद होंगे. अपनी अपनी जिंदगियों में मेरा 50% फ्लैट ऑफ अच्छे से इंजॉय किया होगा, नहीं किया तो 300 कमेंट्स आप करें किसी भी मेरी 12 ज़ोडियक्स की रीडिंग के नीचे. तो मैं दो मंथ की, वो भी यूट्यूब पे कीजिएगा, यहाँ नहीं करिएगा. यूट्यूब पे किसी के भी 300 कमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो 2 दिन की एक्सटेंड फ्लैट ऑफ लगा दूंगी मैं आप लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि आप लोग करेंगे. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि हम इस रीडिंग में नवंबर की मंथली प्रेडिक्शंस करेंगे पाइसेस के लिए, और हम देखेंगे इसी रीड के अंदर कलर ऑफ द मंथ जो रखने से आपके पास प्रोस्पेरिटी नेगेटिविटी को रिमूव करने में काम आएगा. वैसे तो सबसे बेहतरीन चीज़ हिसार बंदी होती है, वो आप हमसे ले सकते हैं. वीकली मंथली पैकेजेस मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, यू कैन कॉल. और बायो में नंबर है हमारा, नंबर यहाँ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, स्ट्राइक पता नहीं क्या क्या रहता है. एनीवेज चैनल के नंबर में है, बायो में नंबर में है. सबसे मेन चीज़ एंजल मैसेज होगा विद लवर्स का मैसेज. लवर्स, हस्बैंड, पार्टनर, मंगेतर, एक्स, आप हर किसी के लिए ओपन है. ब्रदर के लिए भी देख सकते हैं विद द कज़न, और अगर फीमेल टू फीमेल भी वेरी करता है. जो आपसे नो कांटेक्ट में है, इधर कांटेक्ट में भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी सच्चाई जागना, कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, तो आप ओपन हैं देखने के लिए. ओके, पाइसेस वालों क्या कर रहे हो? ओके, आज के पाइसेस वाले, ओके, फिर दे आर ऑफ इनकी एनर्जी आ गई है. ऐसे कैसे हो रहा है आज? आज गड़बड़ हो रही है बहुत कुछ. ठीक है, बैलेंस, हार्मोनी, हेल्थ, वेडिंग, बहुत महीना अच्छा है आपका. बट कान के कच्चे मत बनिएगा, ठीक है? डिसीजन लेने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं. आपको जो ग्रोथ करना चाहते हैं वो होगी आपकी लाइफ में. कंपटीशन लेकिन मिलेगा, चीटर लोग बहुत मिलेंगे, देखना ज़रूरी है. शादी का मुझे भी जना कार्ड आया है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है. प्रॉपर्टी खरीदते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऑप्शंस भी आते हुए नज़र आ रहे हैं. इट्स अ रियली ब्लेसिंग मंथ. बट याद रखिएगा, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले कार्ड्स रियली अमेजिंग हैं. तबीयत भी ख़राब है अगर, तो आप अच्छे हो जाओगे, ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे. लेकिन आपने बहुत दुख उठाया है तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? आपने बड़ा मुश्किल उठाया है, इस वजह से थोड़ा सा बॉन्डेड रहिए, थोड़ा सा चुप रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्योंकि लोग जो है ना, आपसे आके लड़ेंगे किसी भी वजह को, बात को वजह बना के. तो आपने वो नहीं करना है. आप जो आपसे कोई बात करे, आप कहेंगे ओके, ठीक है. ये आप लोगों के लिए कैलकुलेशन है ये एनर्जीज की, तो कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताइएगा. लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, जो कि ये हैं. रेस्ट के साथ दो कार्ड हैं, रेस्ट एंड स्पेस. पहला जोडियक और लास्ट जोडियक आपका है कैप्रिकॉर्नियन, जिसके लिए दो कार्ड खुद ही आ गए. एक तो मैंने खुद उठाया, और एक उसके साथ ही बाय वन गेट वन में आ गया है. रेस्ट इन स्पेस, थोड़ा सा सुकून लें और सुकून दें, और ग्रे, ब्लैक, ग्रीन ज़रूर पहनें ताकि, और अपने पास रखें. ये दो कलर्स रखने से, पहनने से आपको काफ़ी इफाका होगा. हिसार बंदी ज़रूर करवाएं ताकि दोबारा चीट ना हो फाइनेंसेस और लाइफ के हवाले से. देखेंगे आपका एंजल मैसेज क्या है. ठीक है, आप जो आपका जो माइंड है ना, वो बड़ा चलचल, यू नो, बड़ा आर्टिस्टिक, और आपकी बड़ी, आपका फेस बड़ा एक्सप्रेशंस जो है ना, आप बड़े आर्टिस्टिक टाइप के, आपके जो जो है ना, मेरे पाइसेस वाले होते हैं. सो दैट्स अ गुड साइन. बट कुछ चीज़ों को ना आप छुपाते बहुत अच्छे तरीके से हैं. तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो आपने ना बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ है. लेकिन कब तक करेंगे? कोई ऐसा तो चाहिए ना ज़िंदगी में कि जिस चीज़ का आपको मरहम लगा. जैसे मेरा जो कट लगा है उस पर अब मुझे मरहम लगाना पड़ा है. वो तो खैर अल्लाह खुश रखे मेरे डॉक्टर को, उन्होंने मुझे दिया भी है और उन्होंने मुझे ख़रीद कर भी दिया है. अल्लाह उनको और बरकत दे. आप भी आमीन लिखवाइए, लिखिएगा आमीन, ठीक है ना? मैं जाऊँगी तो मैं उन्हें दिखाऊँगी कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं ना. सो एनी वेज, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई है तो आपको भी होती है, क्योंकि आपको होती है तो मुझे होती है ना. सो द थिंग इज़ कि अब हम देखते हैं कि अब फाइनल, नॉट लास्ट वर्ड, नॉट द लीस्ट, कि आपके चाहने वाले क्या चाहते हैं आपसे कहना.
आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. देखें यही तरह से आई है कि आपके जो पर्सन है ना, आपकी जो इस तरह की, मैंने आपको बोला ना आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक, आप जो चीज़ अब जो एक्सप्रेस नहीं करते और चीज़ छुपा करके ले जाते हैं तो वो समझ रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है. सो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को. कैसी रही रीडिंग बताइएगा ज़रूर, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा. आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीड ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच.